एक हमारे दर्शक हैं आर्यन कुमार जी, वो पूछ रहे हैं रामा स्टील और जीटीएल इंफ्रा ये कैसे लग रहे हैं सर? तो रामा स्टील के बारे में मैं यही कहूंगा कि 15 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 15 रुपए 33 पैसे के आसपास में, और 17 रुपए 55 पैसे का इसका 52 वीक हाई है। आई थिंक आज के सत्र में लगभग 8.95% ये हाई है। 13 रुपया 70 पैसा, 13 रुपया 90 पैसे का एक अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। और 17 रुपये का पहला टारगेट आप मान के चलें कि 17 रुपये का पहला टारगेट है, उसके ऊपर बंद देता है तो इसमें रिवर्सल आप देखेंगे लगभग 21 से 23 रुपए तक ये जा सकता है ऊपर में। तो रामा स्टील का ट्रेंड मौजूद है, लेकिन 13 रुपए 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस। विवेक जी, दूसरा स्टॉक आपने कौन सा सर? कहा? जीटीएल सर, एक जीटीएल लिमिटेड है और एक जीटीएल इंफ्रा। वैसे मैं आज जीटीएल लिमिटेड पर पूछ लेता हूं सर, 15 रुपए का ये भी शेयर है, जीटीएल लिमिटेड पर क्या करें? तो लगभग 15 रुपए 8 पैसे के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है, 19 रुपया 45 पैसे का 52 वीक हाई है। ये भी शायद 8.57% अप चल रहा है इस समय, जी वॉल्यूम ब्रेकआउट है। इसका 13 रुपया 30 पैसे का अच्छा सपोर्ट है, तो मैं ये कहूंगा 13 रुपया 13 रुपया 30 पैसे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। पहला जो टारगेट रहेगा इसका वो 19 रुपए का ही रहेगा, जो इसका 52 वीक हाई है 19 रुपया 45 पैसा, तो आप 19 रुपया मान के चल सकते हैं अजम्पशन। और उसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो फिर इसका पोटेंशियल है 23 रुपए तक जाने में। तो ध्यान रखें, ये स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। जी सर, अगर मैं जीटीएल वर्सेस रामा स्टील बात करूं तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है ज्यादा? रामा स्टील का चार्ट ज्यादा स्ट्रांग है। तो उस पर व्यू बना सकते हैं। और मैं